डायमंड थोड़ा ये वाला। तो अंकल जी एक बार पहले डायमंड दिखा दो। ये देखो भाई ये है डायमंड। तो भैया जी अभी हम इस समय हैं कृष्णा नगर में और यहाँ पे हमें एक अंकल जी मिले हैं जो अपने सोडे में डालते हैं डायमंड। जी हाँ सही सुन रहे हैं, डायमंड डालते हैं अपने सोडा के अंदर। वो कौन से डायमंड है और कितने रुपए के कितने के डायमंड होते हैं तो अंकल जी से पूछेंगे। नमस्कार अंकल जी। ये देखो जी अंकल जी बनाते हैं सोडा। अंकल जी कितनी उम्र है आपकी? 70। वो भाई अंकल की उम्र है 70 और बनाते हैं यहाँ पे मसाला सोडा। अंकल जी आप हमारा सैल्यूट है आपको कि आप इतनी उम्र में भी सेहत नहीं हारी, आप यहाँ पे सोडा बना रहे हैं। तो अंकल जी ये कटे फटे पुराने नोट भी बदल लेते हो? तो अगर मेरे पे 10 का फटा नोट है मेरे को सोडा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सोडा नहीं मिलेगा। हाँ उसके 5000 मिल जाएंगे। हाँ तो ये पुराने जमाने में लोग काम करते थे ना, ये अंकल जी हमारे यहाँ पे ये भी करते हैं। तो अंकल जी एक बार पहले डायमंड दिखा दो। ये देखो भाई ये है डायमंड ना भाई, क्रिस्टल सा। ये देखो ये है डायमंड, ये डालते हैं अंकल हमारे सोडे में। ये देखो भाई डायमंड है ये। असली वाली हीरे की बर्फ। तो चलिए अंकल जी बनाइए। ये देखो भाई ये खान से लाते हैं ये वाला। कौन सी खान से डायमंड निकालते वाला? बर्फ वाला। आइस बर्फ। आइस बर्फ, क्या बात है। ये देखो भाई लग रहा है ना एकदम डायमंड जैसा। जब ही अंकल को बोलते हैं यहाँ पे डायमंड सोडा, क्या बात है भाई। ये देख लो ये है भाई हीरे, चमकते हुए हीरे हैं। और ये अंकल कौन सा मसाला डाल रहे हो? नमक और जीरा वाला। नमक और जीरा वाला, क्या बात है भाई। ये भी खुद का बनाते हो या परचेज करते हो? खुद का ही बना हुआ है। तो भाई साहब अंकल का मसाला भी खुद का बना हुआ है। और ये है मसाला सोडा है तो लेमन तो भाई जाना ही जाना है, क्या बात है भाई। ओहो भाई गजब। तो अंकल जी इसके अंदर रखते हैं ताकि गर्मियों में ठंडा रहे। तो ये निकल गया भाई और अब इसको खोलेंगे अपने स्टाइल में अंकल जी। ए ओए क्या बात है भाई गजब। तो भाई जो जो कृष्णा नगर में रहते हैं ना जल्दी भाग के अंकल जी के पास आ जाओ और ये गर्मियों में अपना गला तर कर लो। क्यों अंकल जी पूरी गर्मियां लगाओगे? तो भाई पूरी गर्मियां लगाएंगे अंकल जी यहाँ पे। हाँ जी जनवरी का महीना और सितंबर का सारे महीनों में मिलेगी। तो भाई सारे महीनों में मिलेगी आपको यहाँ की मसाला सोडा। दिसंबर में आओ जनवरी में आओ, बर्फ पड़ रही हो तो भी मिलेगी। अच्छा अच्छा बर्फ पड़ रही हो जब भी मिल जाएगी? मिलेगी तब भी पीते हैं आगे। अच्छा जी क्या बात है भाई। बारिश पड़ेगी तो भी पीने वाले आएंगे। तो पीने वाले आएंगे हैं? बिल्कुल आते हैं। ओके रात के 11 बजे तक आते हैं। रात के 11 बजे तक आते हैं? और अगर आपने दुकान बंद कर दी फिर? नहीं नहीं 11 बजे आते ही आते हैं। आते ही आते हैं, मैंने सुना है लोग खुलवा भी लेते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो गया। हाँ 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 कोरोना से पहले टाइम ही नहीं मिल रहा है। 11 बजे बड़े हो भाई साहब क्या बात है। कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों से? बोलो। 70 साल से कर रहे हैं, हिम्मत है कर रहे हैं। तो अंकल जी भाई 70 साल की उम्र में कर रहे हैं। तो अंकल जी कौन सी चक्की से आटा खाते हैं बता दो, मेरे को भी खाना है। हमने पुराना खाया जी। हाँ जी 70 साल हो गए, जो पहले आती थी आज आती नहीं, आज मिलावट आ रहा है। क्या अंकल कह रहे हैं आजकल तो मिलावट वाला आता है। तो अंकल की हिम्मत को देख के भाई मेरा सैल्यूट है और एक बार अंकल के हिम्मत के लिए वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़। और बहुत ही बढ़िया डायमंड वाला होता है सोडा इनका, तो एक बार बोल दो जी अंकल वीडियो शेयर कर दें। तो भाई अंकल ने भी बोल दिया वीडियो शेयर कर दो। और इस उम्र में भी अंकल ने हिम्मत नहीं हारी है तो सैल्यूट है हमारा। हम तो यहाँ पे सोडे का लुत्फ उठा रहे हैं तो आप भी उठाएं। एक बार अंकल लोकेशन बता दीजिए कहाँ पे लगाते हैं? ये देख लीजिए ये है यहाँ पे नरूला नमकीन भंडार कृष्णा नगर के अंदर लाल क्वार्टर। लाल क्वार्टर में लगाते हैं हमारे यहाँ पे अंकल जी और यहाँ पे नोट भी बदल देते हैं। क्यों अंकल जी सही कह रहा हूँ? ओके थैंक यू अंकल जी आपका इतना बढ़िया सोडा बनाने के लिए। लो जी भाई अंकल की स्माइल भी बहुत प्यारी है।